आईपीएल पंचायत के आज के एपिसोड में आपका सब बहुत स्वागत है। और आज हम पहला वीक का आईपीएल जो वीकेंड में मैच हुआ, तीन मैचेस हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हर वीक संडे को वीडियो बनाते रहे और मंडे तक वीडियो आ जाया करे, देखते हैं कैसा चलता है, बट कोशिश तो यही रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तीन मैचेस की जो इस वीकेंड हुए। भाई सबसे पहले बताया, थला धोनी के जाने के बाद सीएसके का किस्मत लगता है डूब गया। बेचारे बहुत कोशिश किए, 50 मारे, लेकिन बहुत बुरा हालत, एकदम कन्विंसिंग विक्ट्री। क्या अक्षित, क्या लगता है भाई KKR सीएसके? मतलब उनका देखोगे तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चला, तो जिसके कारण बहुत प्रेशर आ गया बॉटम। तो धोनी का तो ट्रेडमार्क है, जो इनिंग खेला वही उसका ट्रेडमार्क है भाई, कि पहला 20 बॉल पे 5 रन बनाओ, नेक्स्ट 20 बॉल पे 50 कर ले उसको। तो मतलब उसी पे वही उस थोड़ा आगे अच्छा स्ट्राइक रेट होता तो कहीं 150-160 बनता, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग वेन्यू है, उसको उसमें हमेशा ज्यादा रन बनते हैं। तो 130 रन हमको नहीं लगता था कभी भी डिफेंडेबल खड़े, हाँ तो उनका डिफेंडेबल था भी नहीं। और KKR का बॉलिंग हमेशा से अच्छा रहा है और इस बार भी अच्छा है ही, तो ओवरऑल देखोगे तो ये प्रेडिक्टेबल था थोड़ा। और कैप्टेंसी नहीं भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पीछे ही खड़ा है तो लेकिन अच्छा खेला धोनी का। इनिंग्स देखोगे तो ओवरऑल पहले के कंपेयर करोगे आईपीएल इनिंग्स से जो किया है, तो कम से कम 50 रन तो बनाया, तो पॉजिटिव वो था उसके सीएसके के लिए। तो अदर देन दैट मैच का रिजल्ट सही था, यही होना था, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही रिजल्ट है भाई, यही होना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि जडेजा सही में कैप्टन था कि धोनी ही कैप्टन था। और देख रहे हो कि आते ही उसका बैटिंग का फ्लो ही चला गया भाई, रन ही नहीं बन रहा था, वो डर वाल गया था, नर्वस हो गया था वो, पता नहीं उससे रन ही नहीं लगा। तो ये होता है कि कैप्टेंसी आते ही उसको बिल्कुल लीडरशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी जो लोग कैप्टन है एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया, इसको लीडरशिप का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। उसको हमेशा से आदत है जो जहां बोले वो कर देना है, फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, अपना फ्री फ्लोइंग बॉलिंग है, जब मतलब अच्छा कराना। अब कैप्टेंसी आ गया तो उसको सोचना पड़ेगा कि भाई हम आउट हो गए तो मेरे बात कोई नहीं है, अब तो उस पे लाइमलाइट भी बहुत ज्यादा होगा भाई, द कैप्टन ऑफ सीएसके कमिंग आउट इन द मिडल, ऐसे बोलेंगे। पहले तो उस पे प्रेशर नहीं रहता था यार, 15-20 रन भी बनाए ठीक है ऐसा था, अब तो भाई मेन हो गया है ना। सही बात है, मतलब देखने दिखा तुमको कि एक्चुअल कैप्टेंसी का प्रेशर क्या होता है, रना जी नहीं बना भाई उससे। आउट ना हो जाए उसके चक्कर में साला वैसे खेला, पता ठीक है क्या कर सकते हो। लेकिन सीएसके भी एक ऐसा टीम है ना कि हमेशा उनका टीम कभी भी देखोगे ऑन पेपर इतना स्ट्रांग नहीं दिखेगा, लेकिन इतना अच्छा जल करके खेलते हैं कि वो लोग पहुंच ही जाते हैं भाई, वो मतलब नॉकआउट तक तो पहुंच ही जाएंगे कैसे भी करके। और इस बार भी उन्होंने वही किया, सारे प्लेयर्स को रिटेन किया जो कोर है, और बाकी जो लोग उनको वापस खरीद लिया, उनको सबको वापस ले, तो उनको इसमें बहुत भरोसा है। नहीं बात है, देखो अब पहला मैच का तो ये रिजल्ट सही है, क्या तुमको क्या लगता है दीक्षित? सही था ना, यही होना ही चाहिए था। हाँ बे, वो तो भाई हमेशा सही, सीएसके के से सीएसके धोनी ये धोनी वो, तो बहुत खुश। कल मैच आ रहा है इसको भाई, कल एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे इसके में, हारने दो भाई, लखनऊ आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी इस साल, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लोग का सब हाथ ट्रेलर ले रहे हैं। पांड्या पांड्या जो है वो टुंडई कबाब खा के सो रहा होगा। कुछ अबे तो मगर ये था ना कि सीएसके को बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि शुरुआत उनके रन ही नहीं बने, उनके उनका जो था राइडू भी नहीं रन बनाया, फिर ओपनर तो रन नहीं बनाया, वो उथप्पा सही खेल रहा था, उथप्पा सिक्स ही खेला, गायकवाड नहीं चला, गायकवाड लेकिन हमको उम्मीद है कि चलेगा वो, हमको हाँ वो तो चलेगा, वो चलेगा, जवान लौंडा बढ़िया मारेगा। पैटर्न है, मैं कल ही देख रहा था कि उसका पैटर्न हमेशा पहला मैच 0-5-0 ऐसे ही करता है। दुबे तो पता नहीं कभी नहीं चलेगा शायद, नहीं लेना चाहिए, वो बोझ की तरह लिया गया है, और वो ऐसे ही बॉलिंग में भी वैसे ही, हमको तो लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जो उसको बॉलिंग देखते हो, ऐसे ऐसे मारता है बिना फुटवर्क के, जैसे कि हम लोग मारते हो वे, कितना गंदा भाई। और जैसे ही वो आउट हुआ बिल्कुल खूब तालियां बज गई वे, हाँ धोनी याद है बिल्कुल, उसको इतना खराब लगा होगा, जैसे ही आउट हुआ पूरा क्राउड खड़ा हो गया, ताली मारने लगा कि धोनी आने वाला। लेकिन धोनी का यही पॉजिटिव है बे, इनिंग्स था बे, हाँ, अच्छा खेला बे, मतलब कॉम्पिटिटिव तो ले गया कि कुछ तो कंप्लीट कर सकते हो, वरना तो 14 छक्का लास्ट में लगने लगा, मिडिल से लग रहा था तो सही था, मतलब अब देखो आगे क्या होता है, लेकिन सही था। मेरे को तो उम्मीद थी बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाएगा, पहला आईपीएल का पहला 50
महेंद्र सिंह धोनी पहला मैच खेलेंगे तो क्या होगा भाई, भाई 28 इनिंग्स तक उसने 50 नहीं बनाए, लास्ट 28 वो तो है, मतलब तो यही है एक इस मैच के लिए सीएसके के लिए यही पॉजिटिव था। और तो बट केकेआर का बैलेंस बहुत सेक्सी था बे, देखो तो उनके पास बहुत सही प्लेयर आ गए, उनका टीम बहुत अच्छा आ गए उनके पास, उनका मावी अभी भी, मावी तो पिट गया बट अच्छा उनका बैलेंस सही है, बॉलिंग हमेशा अच्छा रहता है बे। रसल भी अभी किसी भी दिन पागल हो जाए तो 500 रन बना दे, पता अकेला जीता देगा बे, अकेला जीता देगा, 40 पे 4 भी क्यों ना हो, 204 पे चेस कर सकते हैं, 80 रन बना देगा 30-40 बॉल पे, वो भी है ना सुनील नारायण पहले ओपन करता था, अभी वो फिनिशर के रूप में आ रहा है भाई, वो तो बहुत मारता है वो भी, वो भी बहुत सही बॉलिंग किया, उसकी भी बहुत सही बॉलिंग थी, तो बढ़िया है। केकेआर तो हम लोग उसमें भी बात कर रहे थे ना भाई, कंटेंडर्स तो है फिर से इस बार, काफी बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। एनीवे देखते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, दिल्ली मुंबई का मैच। हाँ, उस मैच में कैसा लगा भाई दिल्ली का परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा बताओ भाई बहुत सही खेला था वे। हाँ, रोहित शर्मा ने काफी सही खेला, ईशान किशन ने तोड़ दिया वे एकदम, बहुत जबरदस्त इनिंग्स। हाँ, बट फिर वही हुआ यार, ये दिल्ली और दिल्ली बैकफुट पे था वे आखिरी तक, फिर अक्षर पटेल मार गया, क्या सीन क्या है भाई? ललित यादव और अक्षर पटेल का पार्टनरशिप भाई, क्या सही पार्टनरशिप था यार, मतलब इतना खतरनाक, दोनों मैच निकाल के लेके चले गए, पूरा मुंबई के हाथ में ही गेम था लेकिन दोनों पूरा बुमराह कितना पिटाया भाई, बहुत पिटाया, हम तो मैच नहीं देखे, हम स्टैट्स देखे, 2 ओवर 3 बॉल ऐसा कुछ में 43 ऐसे कुछ रन है भाई उसका, बहुत हम तो बोल रहे थे कि मुंबई का मिडिल ऑर्डर देखोगे तो वो जान नहीं दिख रही है जो पहले हर आईपीएल में दिखती थी, तो मिडिल ऑर्डर एकदम नया है इनका, सबसे सेक्सी था वे, मिडिल ऑर्डर एकदम नया है और अनप्रूवन प्लेयर्स हैं, और पता नहीं कहीं चल जाए नहीं चले, खाली एक पोलार्ड है बीच में, बाकी सब नए नए खिलाड़ी है। ठीक है, वैसे सूर्य कुमार यादव नहीं था इस मैच में, सूर्य कुमार यादव आ जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा वो है, बट फिर भी हाँ पहले जैसा नहीं है, पांड्या निकल गया, पांड्या को हम जितना भी जो भी बोले, मुंबई का तो जान था भाई वो, बहुत सारे मैचेस उसने इम्पोर्टेंट 30-40 अबे दूसरा पांड्या हमारे में आ गया यार भाई देखना वही जिताएगा तुमको समझे, वो तो प्लेइंग 11 का पार्ट है बे, इंटीग्रल पार्ट है तुम्हारी टीम का भाई, 8.5 करोड़ में खरीदा उसको, खिलाएगा नहीं उसके लिए गौतम जबरदस्त खिलाना होगा उसको। मैं दिल्ली के लिए बहुत पॉजिटिव था, मतलब उनके मेन बैट्समैन कोई चले नहीं, लेकिन एंड में जिस तरह से ललित यादव और अक्षर पटेल, किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा भाई इन दोनों फिनिश कर देंगे, और कन्विंसिंग विक्ट्री, 19 ओवर में गेम खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि भाई मतलब स्ट्रगल किए, तो ये भाई बहुत सही है, अगर इस तरह से है तो भाई तब अच्छा तुम डिपेंड कर सकते हो ना नीचे भी, हमको लेकिन पटेल पे कभी भरोसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है बना दिया भरोसा क्लियर नहीं है ललित यादव कितना सही खेला बे, धोनी टाइप इनिंग्स खेला, स्टार्टिंग बहुत स्लो किया, फिर एंड में जब मैच थोड़ा क्लोज होने लगा धाम मारना शुरू किया, तो भाई आप सब सीख गए ना, अब सब सीख गए ऐसे ही खेलना है, आउट नहीं होना है बस, लास्ट में बॉलिंग ऐसा होगा ही कि रन बनने को मिलेगा तो होगा ही, अच्छा है मैच्योरिटी आ रही है प्लेयर्स में तो अच्छी बात है ऐसे, लेकिन ऋषभ पंत है जो समझ नहीं पाते ये बात को कि हम लोग आराम से खेलते भाई अभी तो पहला मैच है देखो लखनऊ हारेगा बट आखिरी तक वही ले जाएगा, ठीक है ऋषभ पंत तुम्हारे तो दोनों अच्छा प्लेयर इस टीम में था भाई, रोहित शर्मा को सपोर्ट करें, ऋषभ पंत को सपोर्ट करें, किसको करें, हम सो गए जो भी जीते चलेगा ना, सही बात है ठीक है भाई, तो ये तो रहा, और आते हैं भाई मेन इवेंट पे इस वीकेंड के, आरसीबी वर्सेस पंजाब, काफी रोमांचक मैच, क्या लगता है भाई मैच के बारे, अब तो सक्षम ही बताएगा, बहुत देर से टाला हो रहा था, बताओ भाई कुछ नहीं हुआ, क्या लगा ये फाफ डुप्लेसी भी यार क्या क्लास प्लेयर है बे, हर बार अच्छा क्या बैटिंग किया है भाई, क्या नहीं बैटिंग इतना जबर किया हो, कितना छक्का ही छक्का भाई लास्ट में तो हद हो गया, वो भी शुरुआत में संभल के खेल रहा था बट फिर जो उसने मारना चालू किया है भाई, भन 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 मार चले गए, कोहली तो चलो शीट एंकर खेलने लगा कि आउट नहीं होना, बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल चुपचाप चुप्पे चाप, वो सिंगल डबल लेने लग गया, फिर भी उसका 160-170 का स्ट्राइक रेट था यार कोहली का, फिर भी ठीक है सही था क्योंकि पिच बहुत पेस, जरूरत ही नहीं था ना मारने का, तो वो तो सिंगल दे दे रहा था उसको, और फिर ये ही हुआ कि तुम्हारा फिर डीके आ गया, तो ये उनका जो डीके है ना ये इनके पास कभी नहीं था बे, ऐसा प्लेयर जो कि कोहली डिविलियर्स के बाद कोई हो जो कि ढंग से मार भी ले और इनिंग संभाल ले, तो ये इनके पास शायद अच्छा प्लेयर आ गया है बे, इसका बहुत वैल्यू देगा ये,
तो अच्छे रन तो बन गए बे, 205 बन गए, काफी चार बहुत काफी थे बे, बट मैच कंट्रोल में भी था लेकिन बट भाई पंजाब क्या मयंक अग्रवाल क्या खतरनाक आदमी, और सबसे ज्यादा बेइज्जती तो यार शिखर धवन की हो रही है, उसको क्यों नहीं लेते यार, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेला है, इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं है बे, सही बात है, और कितना कामली खेलता है आराम से, कोई भी कराते रहो, कभी आज तक उसको कभी मैं प्रेशर में देखा नहीं भाई, चाहे वो टेस्ट खेल रहा हो, T20 खेल रहा हो, IPL खेल रहा हो, कभी प्रेशर में नहीं रहता है, कोहली खेल मतलब वो लोग फाउंडेशन ही ऐसा रख दिया कि फिर मान ले स्टार्टिंग में एक दो विकेट गिर गया होता तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर था, रन रेट ऊपर होता तब लोग आउट होते, ये लोग तो 10 के ऊपर से रन रेट हमेशा से रखे ही, तो उसका प्रेशर खत्म हो गया। राजपक्षा ने आके क्या मारना शुरू किया भाई, वही तो बोले ये मतलब ये कितना अच्छा फाइंड होगा अगर मान लो ये IPL चल गया तो ये इनका कितना कंसिस्टेंसी, मतलब लिविंगस्टन भी भाई बहुत सेक्सी है इनके पास, लिविंगस्टन भी बहुत मारेगा, IPL में चला नहीं है अभी तक लेकिन बोलते तो बहुत है कि लिविंगस्टन का बहुत नाम है, 42 बॉल पे सेंचुरी बनाया था एक पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में, टाइम पे जैसे क्रिसलिन का था ना, क्रिसलिन जैसा उसी टाइप का है, थोड़ा सा शेडो में है लेकिन बहुत खेलता है, बॉलिंग भी करा लेता है भाई, ऑलराउंडर ही एक तरह से, और ये वो जो RCB का जो स्पिनर था श्रीलंका वाला उसका भी बहुत नाम है कि ये बहुत ज्यादा बढ़िया स्पिनर है, हसरंगा, हसरंगा ना, हसरंगा, वो तो सही है, वो ऑलराउंडर हो गया, हाँ वो बॉलिंग ठीक कराया था, स्टार्टिंग में पिटा गया था, आउट कर दिया भाई, पहली ओवर बीच में पिटा गया लेकिन लास्ट ओवर में तब भी उसने ही रन दिया था, तो वो बॉलिंग ठीक कराता है, वो 6 रन दिया था, वो एक छक्का खाया था, बाकी 5 डॉट बॉल था, शाहरुख खान खा गए थे देखे हम, अरे भाई उस टाइम से बात करते कि भाई पूरा जो ऑडियंस में RCB के कंट्रोल, ऑडियंस में हाँ पूरा था भाई, वो क्या वो फिक्सिंग हुई उसमें, और क्या अबे क्या कैच जानबूझ के छोड़ा उस राउंड में, हां तो पैसा पहुंचा, अबे तो पैसा पहुंचा तो क्या छूटा, उसके पहले क्या मस्त कैच पकड़ा था इसका वही लौंडा, हां वो जो विकेट वही छोड़ दिया रावत, हर्षल पटेल था ना भाई, देखो उसका कैच छूटा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, वाइड मार रहे ठीक है उसको बिल्कुल लुल्ली दे रहे, फिर क्या हुआ, नॉन स्ट्राइकर एंड में था, उसने रन आउट भाई, उसने मतलब कि उसको बॉल मिल गई हाथ में, उसने बेस ही नहीं उड़ाई, वो देखा कि अंदर आके फिर बेस उड़ाई, और इतना और अपील भी नहीं की उसके बाद, मानो कि अगर तुमने भाई तुमको लगता कॉम्पिटेटिव, उसने अपील भी नहीं करी कि क्या ही करना है, अपील तो हर बार होता है, सबसे शॉकिंग यही लगा भाई कि वो थ्रो चलो लुल्ली आया था उसने पकड़ के जो उसने जो डिले किया उसपे कोई प्लेयर भी गुस्सा नहीं हुआ, ये चीज नोटिस कोई गुस्सा नहीं हुआ ना, और क्या हुआ वरना कैप्टन आके इतना हाई स्टेक्स चल रहा ये देखो हमारे चौथे मेंबर आ चुके हैं, बीच में थोड़ा बिजी हो गए थे, अभी आ गए, तो भाई आलोक तो तुम ही को पूछते हैं, हमारा डिस्कशन कहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था कि RCB ने एंड में किया क्या, मतलब पूरा मैच उनके कंट्रोल में था, उसके बाद अचानक से एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद वो रन आउट, जो थ्रो था वो तो स्लो था ही, ऊपर से हर्षल पटेल ने लेके वो बॉल एक सेकंड हाथ में रखा फिर उसने विकेट पे डाला, उसके बाद पूरे टीम का कोई रिएक्शन नहीं, जैसे कि नॉर्मल था उसने जो डिले किया एक सेकंड उस पे भी टीम का कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई अपील भी नहीं, मैं अपील ही नहीं हुई है कि कोई अपील भी नहीं हुई कि भाई कि रन आउट हो देख लो कोई, और वही ओडियन स्मिथ ने एंड में मैच खत्म कर दिया, तो भाई क्या कुछ थ्योरी बन रहा है भाई यहाँ पे, फिक्स है भाई सब फिक्स है, धोखा पहुंचा है सबके घर तो बस हो गया, और क्या खा रहे हैं सही में, एकदम ग्रिप वाला मैच ऐसे कैसे दे सकती है RCB, ऊपर से मतलब पहला मैच था इंटेंसिटी थोड़ी इंटेंसिटी से खेलना चाहिए था, फील्ड पे भी रन तो कैच भी ड्रॉप कर रहा है, रन आउट भी ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई थर्ड क्लास मैच चल रहा है कोई वो है ही नहीं प्रोफेशनलिज्म, ऊपर से कितने एक्स्ट्रास भाई 19-20 एक्स्ट्रास दिए हैं शायद लोगों ने, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी थी पूरे मैच में देखा जाए तो, कहीं भी हर ओवर में एक एक वाइड, और सिराज तो पता नहीं उसको शुरू में इतने फ्रीबीज दिए उसने, 2 वाइड और 2 चौके ऐसी 10-11 रन तो उसने ऐसे दे दिए, वाइट तो ऐसे ही बांट रहे थे वो लोग, अरे भाई फुल टॉस भी 3-4 डाला, हर्षल भी 2-3 फुल टॉस डाला, कुछ फुल टॉस इन लोगों ने मिस किए भाई नहीं तो बहुत बुरा हाल था भाई, क्या हुआ क्या भाई, अक्षित तुम बताओ यार, रेड पहने हो RCB के सपोर्ट में, हम तो क्या हुआ भाई, लेकिन कुछ भी कहो रन बना दिए ना भाई, उसका शॉट्स अच्छे थे भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा, मतलब कुछ भी करो बॉल दिया कुछ भी हो फिक्स्ड हो, लेकिन मारना तो उसी को था, और
शॉट्स अच्छे थे, स्ट्रेट में जो मारा, स्क्वायर में छक्का मारा था, तो शॉट्स अच्छे मारे, जीता दिया, अच्छा खेला। शाहरुख खान लास्ट में, शाहरुख भी बढ़िया लौंडा है क्या ये, बहुत मार रहे हैं। पिछले आईपीएल में तो चला था, पिछले चला तो था, वो उतना नहीं चला था, यही है ये हमेशा लास्ट में आके 40 रन चाहिए होता है तो वो यही खेलता है, ये कैमियो टाइप खेलता है और जिताता है। लेकिन बॉडी वॉडी सही है, लंबा चौड़ा तो है, छक्के इसको अनिल कुंबले ने तो बोला था कि नेक्स्ट युवराज सिंह बनेगा, ऐसा करके बोला था उसको शाहरुख खान का। देखो अच्छा है, अच्छी फाइंड है, मतलब थोड़ा फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। कहां एक शाहरुख खान एट पैक एब्स बना के दूसरा शाहरुख खान जो स्पोर्ट्स में है ऐसे, तो फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। युवराज सिंह के आसपास भी आना है तो भाई वो तो है, बात तो सही है। और कमेंटेटर लोग भी बोल रहे थे कि भाई ये जो ओडियन स्मिथ है इसका अच्छा फिनिशर है ये, इंडिया के अगेंस्ट इंडिया वेस्ट इंडीज जो सीरीज चल रही थी उसमें लास्ट में छक्के तो यही मारता था लास्ट के, फिर भी मतलब वही ना, तभी हमने देखा ना उसके पहले और कहां ही इतना इतना ना भाई, बॉलिंग में भी 145 प्लस फेंकता है भाई ये, जेन्युइन ऑलराउंडर है तो अच्छा। तो कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि इसका फिनिशिंग का एक डिस्टिंग्विशेबल फीचर ये है कि ये जो है मतलब बाकी सारे फिनिशर जनरली लेग साइड या स्ट्रेट लेंथ बॉल का वेट करते हैं, ये ऑफ में भी मारता है, वो इसका एक एडवांटेज है, जो कि मतलब हो सकता बॉलर्स लोग ट्राई करते हैं ना खाली ऑफ में डाले एंड में, वो इसके साथ चलता नहीं क्योंकि वो उधर लगता है। अंग्रेजी कमेंट्री सुन रहे हैं, आकाश बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा तो आकाश इरफान यही सब, आकाश इरफान सुरेश रैना बहुत जबरदस्त कमेंट्री कर रहे हैं भाई, सुरेश रैना भी आ गए आकाश भैया, आकाश भैया कब तक, सुरेश ने उस दिन बोला काश मैं घुस पाता गेम में येलो बैन के उतर जाता। एक बात करते हैं आज एक बॉलर को जिसको हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं लेकिन काफी नेग्लेक्टेड यहाँ पे, चाहे वो आईपीएल में हो या तीन साल से नेग्लेक्टेड है भाई वो, पिछले साल कोलकाता में भी कहां उसको चला। हाँ तो बताओ यार कुलदीप यादव के बारे में कमेंट्स, 3 विकेट लिया, कितना मस्त बॉलिंग कराया एवं गटसी बॉल को एयर भी दे रहा था, तो बताओ भाई कैसा लगा? अच्छा लगा कुलदीप की बॉलिंग देख के, तो बहुत मजा आ गया, मतलब तो ये था लाइन लेंथ, उसने बहुत काम किया उस पर, पहले ऐसा था कि कहीं भी दे देता तो कोई लाइन कुछ लेंथ नहीं, लेकिन इस बार भाई मतलब उस T20 में इतने रन कम दे के और विकेट लेना और टाइट बॉलिंग की उसने, पूरा विकेट टू विकेट बॉल किया सारे के सारे ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 रियलाइज हुआ है कि मेरा करियर खत्म हो रहा है। हाँ सही, उसको लग रहा था कि सुरेश रैना बॉल में बैठना पड़ेगा मेरे को भी, उसको लग रहा था देखिए टीम में आना है, वो सोच के बॉलिंग करा रहा था वो, मतलब मुझे तो बॉडी लैंग्वेज देख के ही लगा उसका कि भाई नहीं उसको आना है टीम में, इंडिया टीम में बात तो जरूरत है बे, जरूरत है बे, बहुत ही अलग स्पिनर है हमारे पास, यूटिलाइज तो करना चाहिए अब, बाकी उसके परफॉर्मेंस पे है कि कैसा परफॉर्म करता है देखो, और बाकी कोचिंग स्टाफ पे है जो बात उसका बार बार उठता है कि भाई उसके बॉल में पेस नहीं है तो सब पढ़ लेता है, तो कोच इतने कोचिंग स्टाफ से इंडिया स्पिनर्स का जगह है, आराम से कुछ कर सकते हैं, उससे पानी मंगवाते हैं ना, उसको बॉलिंग कहाँ करवाते हैं, बोले जा पानी लिया भाई जाके लिया, तब क्या होगा ऐसा, मतलब देना पड़ेगा तुमको, थोड़ा चांसेस लेने पड़ेंगे एक दो तभी तो होगा। तो इस वीक का डिस्कशन हम आज यही पे खत्म करते हैं, तो विनर्स रहे हमारे KKR, दिल्ली और अनएक्सपेक्टेडली पंजाब जो कि आरसीबी को जीतने देते, बट एनीवे तीनों टीम्स ये तीनों विनर, अब देखते हैं। अब KKR तो हमारे तरफ से काफी अच्छा कंटेंडर लग रहा है इस बार आईपीएल जीतने के लिए, अब बाकी कल का मैच अपने न्यू कमर्स आने वाले हैं इस वीक में, तो हम ये सब कवर करेंगे अगले वीक, हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना ले और मंडे तक आप तक पहुंच जाया करें। बने रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आईपीएल पंचायत देखते रहिए। पीस।